भारत के नोबल शांति पुरस्कार जेतु कैलाश सत्यार्थी के घर में हुई चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस ने सुलझा लिया है। दक्षण पूर्वी जिला पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले तिना भरावों को गिरफ्तार करके मामले का पर्दाफाश किया है। तिने दोषी गोरखपुर के रहने वाले दसे जा रहे हैं। पुलिस ने नोबल शांति पुरस्कार की रैप्लीका और होर तमगे सोने के गहने और समेत घर में चोरी कीमती समान बरामद कर लिया। हालांकि नोबल पुरस्कार के नाल मिले प्रशंसा पत्र पुलिस हुण तक बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस दोषियों को रिमांड से लैके पूछगिछ कर रही है। यह पहला मौका है जो नोबल पुरस्कार चोरी होने की वारदात के बाद पुलिस उसे बरामद करने में सफल हुई है। मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस ने हमारे घर में जो चोरी हुई उसके चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सामान भी बरामद कर लिया जा रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मुझे शुरू से भरोसा था कि पुलिस इस मामले को सुलझा लेगी। देश की कानून एजेंसियों पर मुझे पूरा भरोसा है और इसकी एक वजह यह भी है कि मैं खुद एक पुलिस सिपाही का बेटा हूँ और मेरा बचपन पुलिस थाने और चौकियों में गुजरा है, तो मुझे मालूम है कि जब पूरी मेहनत से मुस्तैदी से पुलिस काम करती है तो उसके हाथ किसी भी चोर से किसी भी अपराधी से लंबे होते हैं और मैं फिर से दिल्ली पुलिस को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ।